दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय त्रिवेदी ओवरसीज जालंधर अमृतसर। ई चालान से जहां जनता को चालान भुगतने के लिए अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वहीं कोई भी चालान से नहीं बच पाएगा। ई चालान के तहत देश भर में किसी भी क्षेत्र में कटा चालान दर्ज हो जाएगा और चालान का भुगतान करना ही पड़ेगा। यह जानकारी शिमला पुलिस निदेशालय में पुलिस महानिदेशक सीताराम मरड़ी ने दी। उन्होंने बताया कि 100 पुलिस चौकियों पर विभाग FIR दर्ज करने की सुविधा देने जा रहा है। यह सुविधा दूरगामी क्षेत्रों में स्थित चौकियों में दी जाएगी। टेक्निकल सेल पर भी काम किया जाएगा, जिससे कि साइबर क्राइम नियंत्रित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा में विभाग द्वारा कड़ी सतर्कता बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में अपराधों में कमी आई है। एंड में किया था तो अब 3 महीने बाद सितंबर फर्स्ट वीक में हम कर रहे हैं, और इसमें तमाम जो नॉट वर्कड आउट केसेस है इसका डिस्कशन होता है, और इसको वर्कआउट करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए इसके बारे में सीनियर ऑफिसर्स अपना सलाह देते हैं। और इसी तरह जो ड्रग के माफिया के खिलाफ हमारा जो अभियान है, इसमें क्या कमी है, क्या हम इसको सुधार सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस होता है। और एक्सीडेंट्स कम करने के बारे में क्या कदम उठाना चाहिए, इन चीज़ों में डिस्कस होता है मेनली। और कन्विक्शन रेट संतोषजनक है, और अभी कल ही आज ही अखबार में आया, कल ही हुआ है जजमेंट, जो NDPS एक्ट बालूगंज में जो दीप राम है उसको 20 साल की सजा दिया, तो एग्जम्पलरी पनिशमेंट है। और इसी तरह बाकी NDPS केसेस ट्रायल में भी कन्विक्शंस हो रहे हैं। और ये ड्रग मैनेज जो है ये एक सीरियस समस्या है, इसका सप्लाई पंजाब और दिल्ली से आता है, तो कुछ लोग हिमाचल से भी संलिप्त है, तो हम कारगर कदम उठाते हैं और नेबरिंग स्टेट का कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन से भी हम ज़्यादा लोगों को पकड़ने में कामयाब होंगे। ये एक हमारा स्ट्रेटजी है सप्लाई कम करने का, NDPS एक्ट को सख्ती से लागू करने का, और साथ में क्रॉप को डिस्ट्रक्शन करने का। इसके साथ हम नशा निवारण समिति द्वारा अभियान भी चलाए हैं, सेलिब्रिटी कैंपेन, जो जाने माने हस्तियों से स्टेटमेंट दिलाना, ये भी कर रहे हैं। और स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाके हमारे ऑफिसर्स बच्चों को समझा भी रहे हैं, और हमारे से जो कुछ हो सकता हम कर रहे हैं। और पंचायत लेवल में भी हम नशा निवारण समिति बनाने जा रहे हैं, और कई मैक्सिमम पंचायत में हमने बनाए भी हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये मल्टी प्रॉन्ग्ड जो हमारा अप्रोच है इससे ड्रग मैनेज को काफ़ी हद तक कंटेन करने में हम कामयाब रहे हैं। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ई चालान है जो बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, उनके ऊपर ई चालान की हेल्प से कैसे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। लो भाई, आज पार्टी मेरे वालों, यार होने चले ऑस्ट्रेलिया पढ़ने। पर यार मेरा हाल तक ऑफर लेटर भी नहीं आया। एक गाल दास की तेरा कंसल्टेंट रजिस्टर्ड है? पता नहीं। की तेरा कंसल्टेंट एरिया पायर वालों सर्टिफाइड है? पता नहीं। फिर तेरा वीजा कौन लगवाएगा? पर यार ये सब है किस कंसल्टेंट को? त्रिवेदी ओवरसीज। त्रिवेदी ओवरसीज, टर्निंग ड्रीम्स इंटू रियलिटी।